नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। तस्वीरें इस वक्त की जम्मू के बस स्टैंड से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली वेजर जो है वो इस वक्त थाली और ताली बजाकर जम्मू में इस वक्त जोरदार प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। जम्मू में डेली वेजर्स का बड़ा आंदोलन, सरकार को थाली और ताली बजाकर जगाने की कोशिश। देख सकते हैं कि पुलिस का बड़ा हमला जो है वो इसके साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, ताकि ये लोग जो है वो आगे क्यों ना बढ़ सके। थाली और ताली बजाकर डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते हुए जम्मू में इस वक्त हम मौजूद है। और मेरे पीछे क्या तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम डेली वेजर्स जो है वो इस वक्त अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए। देख सकते हैं कि डेली वेजर शो आगे की ओर बढ़ते हुए। डेली वेजर्स जम्मू में लगातार प्रोटेस्ट करते हुए और सरकार को आज थाली और ताली बजाकर जगाने की कोशिश। क्या कहेंगे आज डेली वेजर्स आज थाली और ताली बजाकर यहाँ पर? हम यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें कम से कम हमारा हक दे, हमें मिनिमम वेज तक हमारा लागू किया जाए। और जो कि एज पर दिल्ली ड्यूटी रेट से हमें मिनिमम वेज तक दिया जाए, और रेगुलाइजेशन पॉलिसी और जो 70 महीनों की हमारी पेंडिंग वेज है उसे रिलीज किया जाए। नहीं तो अभी तो ये ट्रेलर है, इसके बाद और भी जोर से कि इस वक्त बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जम्मू में होते हुए। थाली और ताली बजाकर डेली वेजर्स आज सड़क पर आए हैं, ये आप देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पर तैनात कर दी गई है और पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। ऐसी जगह पे से देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स अपने यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ताकि डेली वेजर्स का आंदोलन आगे की ओर ना बढ़ सके। जम्मू में डेली वेजर्स का बड़ा आंदोलन इस वक्त होते हुए यहाँ पर थाली और ताली बजाकर ये आप देख सकते हैं। तालियां और तालियां बजते रहेंगी। पुलिस का बड़ा हमला आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैनात है, ताकि ये लोग आगे क्यों ना बढ़ सकें।
हैं कि डेलीगेटर्स का बड़ा आंदोलन इस वक्त जम्मू में चल रहा है और पुलिस की बड़ी तैनाती इस वक्त यहाँ पर की गई है। ये तस्वीरें इस वक्त की जम्मू से, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेलीगेटर्स जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर इन्हें जो है यहाँ पर रोक लिया है। कई सारे लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित सोदी जी कह रहे हैं कि रैना साहब डांस करो यहाँ। बिल्कुल, आप लोग अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। डेली वेजर्स का मसला जो कि काफी देर से अंधेरे में लटका हुआ, लेकिन कोई भी जो है वो डेली वेजर्स के मसले को हल करने की जहमत नहीं कर पा रहा, जिसके चलते आज आप देख सकते हैं कि डेली वेजर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए। आप देख सकते हैं कि टीयर गैस यहाँ पर है और अगर आंदोलन बढ़ता है तो टीयर गैस भी यहाँ पर जो है वो चलाए जा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं टीयर गैस भी जो है वो डेली वेजर्स के इस आंदोलन के चलते यहाँ पर लाए गए हैं और ये आंदोलन अगर बड़ा रूप लेता है तो यहाँ पर ये टीयर गैस के चलाने की जरूरत भी जो है वो पड़ सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले थारियां और तालियां जो है वो कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते बजाई गई थी, लेकिन आज डेली वेजर्स जो है वो सड़कों पर थारियां और तालियां बजाते हुए। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस यहां पर टीयर गैस लेकर जो है पहुंची है और जरूरत पड़ने पर टीयर गैस भी यहां पर चलाए जा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि टीयर गैस भी यहाँ पर चलाया जा सकता है, क्योंकि इस आंदोलन में यहाँ पर पुलिस ने टीयर गैस भी यहाँ पर लाए हैं और आंदोलन आगे बढ़ता है तो बसें आप देख सकते हैं कि बीच रोड में लगा दी गई है, कहीं बैरिकेड्स तो कहीं पुलिस की बसें लगाकर यहाँ पर डेली वेजर्स को रोका गया है। फिर से आपको बता दें कि टीयर गैस यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में यहाँ पर लाए गए हैं ताकि ये लोग अगर आगे की ओर बढ़े तो इन्हें यहाँ पर टीयर गैस चलाकर जो है वो रोका जा सके। जम्मू से लाइव तस्वीरें इस वक्त जम्मू परिवर्तन पे देखते हुए यहाँ पर डेलीवेजर्स, पीएचई डेलीवेजर्स आज एक बार फिर से यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और बड़ा आंदोलन यहाँ पर इस वक्त थाली और ताली बजाकर किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा था कि अगर 370 के माल कोई बड़ा मसला है तो वो है जम्मू कश्मीर। फिलहाल आप देख सकते हैं कि डेली वेजर्स को यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या डेली वेजर्स के इस आंदोलन के बाद कोई किसी तरह का असर होगा या फिर सरकार अपनी चैन की नींद में सो रहेगी। आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।